ये मोदी जी की नीति है, ये विदेश नीति है हमारी। पर अब हम ओडिशा आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ओडिशा की जनता जो है ये मोदी सरकार को बहुत बड़ी बहुमत से आशीर्वाद देगी। और हमें ये भी अपेक्षा है, आशा तो है कि यहाँ की सरकार जो है हमारे अनुकूल, कि यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी। और यहाँ आने का मुझे अवसर मिला है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पब्लिक में कितनी उत्साह है भाजपा के बारे में। और मुझे लगता है कि यहाँ मूड जो है वो परिवर्तन, वो पब्लिक जो है चेंज चाहती है। और मुझे लगता है कि ये भी है कि पूरे देश में जो तरक्की जो हुई है, जो परिवर्तन जो हुआ है, उसका फुल एक्सप्रेशन जो है ओडिशा के लोग भी चाहते हैं। और ओडिशा के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जहां ओडिशा का संतान, कि जहां ओडिशा की पहचान, ओडिशा की अस्मिता जो है इस पे बल दिया जाए और ओडिशा जो है अपना पूरा योगदान जो है विकसित भारत की ओर दे। तो यही मेरा मैसेज है और मैं आप सबको, दोनों को अपनी ओर से मैं जरूर आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज यहाँ आने का आपने निमंत्रण दिया, अवसर मिला मुझे आने का। और संबलपुर बहुत मशहूर जगह है, उसकी बहुत पहचान है, हम सब जानते हैं संबलपुरी। मेरे पास तो संबलपुरी जैकेट भी है, आपने देखा है कभी कभी मैं संसद में पहनता हूँ। और थोड़ा धर्मेंद्र जी इसको उस समय जरूर मेरे ऊपर थोड़ा कहीं कमेंट करते तो हैं। तो फिर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ आने का बहुत मुझे सर आगे निर्वाचन है हमारे एमपी के तहत, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे लड़ रहे हैं तो उनको क्या विश करेंगे? भाई धर्मेंद्र जी जो हैं हमारे ओडिशा के गौरव हैं, बहुत सफल मंत्री हैं। जैसे आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि आज एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्किल्स मिनिस्टर हैं, पहले पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है और जो परिवर्तन जो है ये क्षेत्रों में भी बहुत आपने चेंज देखा। सर ओडिशा गवर्नमेंट का संदर्भ में क्या बोलेंगे? सर ओडिशा गवर्नमेंट का संदर्भ में क्या बोलेंगे? नहीं, हमें हम देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि जो ओडिशा में जितनी सपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है, जैसे मैंने कहा 18 लाख करोड़ दिए हैं, जो ओडिशा के खुद रिसोर्सेस हैं, जो ओडिशा की टैलेंट है। देखिए मैं, मेरे साथ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में मेरे साथ जो पढ़े थे उसमें ओडिशा के बहुत छात्र थे, तो मैं यहाँ के लोगों का टैलेंट मैं जानता हूँ। इस टैलेंट, इस रिसोर्स, केंद्र सरकार की सपोर्ट से ओडिशा को बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, वहां तक नहीं बढ़ा जो संभावना थी। और हमें अपेक्षा है कि वो आगे के समय में वो जरूर होगा।